हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को बेचने की योजना पर लगाई रोक। जी हां, टेस्ला कंपनी ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को बेचने की योजना पर रोक लगा दी है। आयात करों में कमी कराने में विफल रहने के बाद कंपनी ने शोरूम के लिए जगह की तलाशी छोड़ दी है। बता दें कि साल 2019 में टेस्ला कारों की भारत में लॉन्चिंग की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। टेस्ला लगातार सरकार से आयात शुल्क को कम करने की मांग कर रही थी। बैठक में बोले व्लादिमीर पुतिन, कहा रूस पर प्रतिबंध लगाकर खुद बुरी तरह प्रभावित हुए पश्चिमी देश। जी हां, आर्थिक मुद्दों पर एक बैठक में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों से वह खुद ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पुतिन ने कहा कि कई देश पहले से ही भूख के खतरों का सामना कर रहे हैं और यदि रूस के खिलाफ प्रतिबंध ऐसे ही जारी रहे तो ईयू को भी ऐसे दुष्परिणाम भुगतने होंगे जिन्हें पलटना मुश्किल होगा। भारत ने तत्काल प्रभाव से रोका गेहूं का निर्यात। जी हां, भारत ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केंद्र ने कहा कि गेहूं की कीमतों में अचानक तेजी आई है जिससे भारत पड़ोसी देशों और खाद्य संकट से प्रभावित अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। बकौल सरकार, पहले ही जारी हो चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए गेहूं के निर्यात की अनुमति है। सोनिया गांधी ने कहा बीजेपी देश में ध्रुवीकरण बनाए रखना चाहती है। जी हां, उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शिरकत की। उन्होंने यहां संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में ध्रुवीकरण बनाए रखना चाहती है ताकि वह आने वाले चुनाव में इसके दम पर जीत हासिल कर सके। कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर आज से राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ है। तमिलनाडु के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा हिंदी बोलने वाले पानीपुरी बेच रहे हैं। जी हां, तमिलनाडु के मंत्री पोन मुडी ने कोयम्बटूर में भारथियार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी बतौर भाषा हिंदी की तुलना में अधिक मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि वे कहते थे कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, क्या ऐसा है? आप कोयम्बटूर में देख सकते हैं कि अब पानीपुरी कौन बेच रहा है। एयरटेल यूजर्स के लिए नया ऑफर, अब सिर्फ ₹10 में मिलेगा कॉल डेटा और SMS। जी हां, एयरटेल अपने यूजर्स के लिए अब सबसे सस्ता प्लान लेकर आया है जो लगभग बाजार से गायब हो चुका था। इस प्लान के तहत यूजर्स ₹10 का पेमेंट करके कॉल डेटा और SMS का लाभ उठा सकते हैं। यह ऑफर कंपनी के टॉक टाइम प्लान का हिस्सा है, मतलब इस प्लान में आपको ₹7.47 का टॉक टाइम मिलेगा। यूपी के बाद अब इस राज्य में मदरसों में राष्ट्रगान हो गया अनिवार्य। जी हां, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया और राज्य में इसी तरह के कदम का संकेत देते हुए कहा कि मदरसों या स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने में कोई बुराई नहीं है। उत्तर प्रदेश ने बता दें कि राज्य के सभी मदरसों में गुरुवार से राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।